हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। तो मैं रिटर्न निकल गया हूँ यहाँ से, आनंद विहार से। अभी जस्ट मेट्रो से उतरा हूँ, रिटर्न घर जा रहा हूँ। देख सकते अभी यहीं पे हूँ और 11:30 बजे की ट्रेन है। यहाँ से निकलूँगा, पटना तक के लिए ट्रेन है, फिर वहाँ से फिर अपने घर के लिए। बाकी अभी यहीं पे हूँ, बाकी अंदर जाके वीडियो अपलोड करता हूँ। बारिश हो रही है गाइस, देख सकते हैं बारिश हो रही है यहाँ पे। अंदर जा कर के फिर अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, पटना वाला जो ट्रेन है उसमें बैठ चुका हूँ। बाकी यहाँ से कल शाम को 6:30 बजे तक पटना उतारेगी, फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन है, फिर वहाँ से बैठ के फिर निकलूँगा। बाकी ये ट्रेन का हालत देख सकते हैं, ये निकलूँगा। बाकी ये ट्रेन का हालत देख सकते हैं, बस है वहाँ से फिर निकलेंगे कल शाम को रात में 8 बजे। बाकी ये ट्रेन लगी हुई है हमारी, मजबूरी है, सफ़र तो करना पड़ेगा। ये आनंद विहार का रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार का वहाँ से मैक्सिमम 18 घंटे का सफ़र है। 18 घंटे तक बस लूँगा पूर्णिया के लिए, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। विकास भाई अभी अंदर में है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, ये देखो विकास भाई भी आ गए हैं। हेलो गाइस, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और काफ़ी रोमांटिक मौसम है और अच्छा भी है, ठंडा मौसम है। इलाहाबाद से निकले हैं, बाकी अभी तक कोई रेलवे स्टेशन आया नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म आता है फिर पता चलेगा, तो आगे जाके फिर अपडेट देते हैं आप लोगों को। जब तक मैं आप लोग वीडियो में, तो अभी हम लोग बक्सर पहुंच गए हैं। अभी यहां से मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का और रास्ता है, मैक्सिमम 8 बजे तक पटना छोड़ेगी। अभी फ़िलहाल यहाँ बक्सर में है, देख सकते हैं बक्सर का माहौल ऐसा है। यहाँ पर इतना भीड़ नहीं है, दिक्कत नहीं हो रही है बहुत, काफ़ी लेट थी ट्रेन। अभी तुरंत जस्ट अभी पटना रेलवे स्टेशन पे अभी जस्ट देख सकते हैं ट्रेन लगी हुई है। अभी यहाँ से एग्जिट है, एग्जिट करके फिर बस स्टैंड के लिए जाना होगा यहाँ से, फिर बस स्टैंड से पूर्णिया के लिए बस पकड़ना होगा। यहाँ से अभी देखता हूँ एग्जिट किधर है, एग्जिट होकर के फिर बाहर निकल करके फिर बस स्टैंड पहुँच के फिर वहाँ पर जाके अपडेट देता हूँ। पटना का बाहर का माहौल है, देख सकते हैं ये पटना रेलवे स्टेशन का बाहर का माहौल है। अभी यहाँ पे पूरा पटना का बाहर का माहौल है ये। अभी यहाँ से देखते हैं किधर से टेम्पो मिलता है बस स्टैंड के लिए, फिर पहुँचते हैं बस स्टैंड, फिर आपको अपडेट देते हैं। लगी है तो इस होटल में बैठ कर के खाना खा रहा हूँ, देख सकते हैं ये पटना रेलवे स्टेशन के बाहर का होटल है। मैं अभी पूर्णिया के लिए बस में बैठ गया हूँ। यहाँ से बस का हालत कंडीशन सही नहीं है, फिर भी क्या करें, एडजस्ट करके जाना पड़ेगा यार। आकर के फंस गया इधर, सोचा अच्छी इधर बस मिलेगा सही, बट इधर बस बहुत घटिया बस मिला यार, बस बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ भी नथिंग इज कोई नहीं। घूमने के लिए सफ़र करना है किसी तरह, भी पैसा भी ले लिया है, अब पैसा तो रिटर्न देगा नहीं। बस भी सही नहीं है, सीट भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। अच्छा गांधी मैदान में बैठ जाता, वहाँ से अच्छे से पूर्णे के लिए बस मिल जाता। मैं सोचा यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे बस पे इजली मिल जाएगा सही, बट यहाँ पे एक ही बस लगा हुआ है, वो पूर्णे के लिए बस एक ही बस है, तो जाना ही पड़ेगा। 500 रुपये टिकट लिया है। तो गाइज वीडियो यहीं तक है, बाकी आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब, जो भी नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, जो भी नए हैं और हमारे YouTube